ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि जगदीश चंद्र बोस को बचपन ही से लगन थी कि वो एक साइंसदान बने। सैकड़ों हजारों मुसीबतें उनके रास्ते में आई लेकिन उन्होंने एक एक का मुकाबला किया और आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रहे। ये लगन बचपन ही से हर इंसान में होती है। मुझे यकीन है कि तुम सबने भी ये जरूर सोचा होगा कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। क्यों मोहन? हाँ सर, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। शाबाश। और सर, मैं बड़ा होकर फौज का कप्तान बनूंगा। तुम बैठ जा राजन, तुम्हारे बारे में मैं पहले ही से जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा होनहार लड़का जिंदगी में जो चाहे बन सकता है। तुम रमेश? सर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नंदू, तुमने क्या सोचा? सोचने से क्या फायदा सर? क्यों? मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान है, मुझे तो लट्ठा और पापड़ी भी बेचनी पड़ेगी। अरे मंगल, तुम क्लास में हर वक्त मिठाई खाते रहते हो। ये मेरी बचपन की लगन है सर, मैं बड़ा होकर हलवाई बनना चाहता हूँ ना। हलवाई? हलवाई क्यों बनना चाहते हो? सर तो सर, आपने देखा नहीं हमारे मोहल्ले का मिठू हलवाई सर पे टोपी रखकर किस शान से लड्डू और बर्फी के बीच में बैठा रहता है। चलो लाइन बनाओ। खीरे, 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 खीर
मोहिनी होती तो तुम दोनों का मुंह मीठा करा देता। तू करता रहे मुंह मीठा, अपने को ठगी का मान हजम नहीं होता है। चल रमेश। बड़ा सस्ता माल लुटाया है मिट्टू चाचा, एक आने के इकट्ठे ही दो पताशे, लगे हाथ तरकीब इस्तेमाल भी बता दो। एक अभी खा लो ताजा पानी के साथ, दूसरा रात को सोते वक्त, दोनों इकट्ठे नहीं खा लेना नहीं तो बदहजमी हो जाएगी चिस्की लगा के। देख बे मंगल, तुम मुझसे मस्करी नहीं करना, चल भाग यहाँ से वरना। वाह चाचा, मैं तेरे लिए लोगों से लड़ता फिरूं और तुझे कदर ही नहीं। किससे लड़ा है तू मेरे लिए? शोरी हलवाई के बेटे लाहौरी से, कहता है मिट्टू हलवाई एकदम गधा है, उसके लड्डू ईंट मार कर फोड़ने पड़ते हैं। तो ये उसके बाप ने बनाए हैं? यही तो मैं कहता हूँ चाचा, तुम्हारा लड्डू तो हलवे की तरह हलक से उतर जाता है। अब ये लड्डू दिखाता हूँ उसे और पूछता हूँ गधा कौन है, बेईमान कहीं का, ईमानदार कहीं का। अबे दाहिने हाथ से लड्डू निकाल कर रख दे, वरना बाएं हाथ से कान निकाल कर हथेली पे रख दूंगा। बापू छोड़ दो ना मंगल को, मैं भी तो लड्डू उठा के खा लेती हूँ दुकान से। अरे पगली, तू तो मेरी बेटी है। मैं कौन सा गहरू चाचा, मुझको अपना बेटा समझ ले। अरे बेटा तो तू अपने बाप का नहीं बना, दूसरे का क्या बनेगा? अपने छलिए को संभाल ले पंडित, आज दूसरी बार बेवकूफ बनाया है इसने मुझे। तू यही कर रही है बेवकूफ की बच्ची। सुन पंडित, आज आखिरी बार कह देता हूँ, एक तो तुम किराया नहीं देती, ऊपर से तुम्हारे बेटे ने लूट मचा रखी है। मेरे मकान में रहना है तो अपने बेटे को बस में कर ले, नहीं तो एक दिन सामान फेंक दूंगा बाहर सड़क पर। हाँ सामान ये घर में रहने ही कहाँ देता है लाला, जो तुम बाहर फेंक दोगे। पंडित विद्या रत्न, तुम सारी दुनिया के ग्रह दूर करके अपने जंतर से, इस ग्रह के लिए तुम्हारे पास कोई जंतर नहीं। ये ग्रह जंतर से नहीं, डंडे के तंत्र से ठीक होगा। चंद नालायक की औलाद, विद्वान की संतान होकर हलवाई बनने के सपने देखता है, आज मैं तेरे से ये भूत उतार के ही रहूंगा। तूने दुखी कर रखा है मुझे, मैं तंग आ गया हूं तेरे से। देख राजू, आज तूने फिर वर्दी पहन ली, जब जानता है कि तेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं तो क्यों करता है ये? माँ आज मेरी परेड है, पर तू बिल्कुल फिकर न कर, मैं उधर गया और इधर आया, पिताजी को बिल्कुल पता न लगेगा। हाँ मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो अंधा हूँ ना। पाजी नालायक, पढ़ा लिखता है तो बच्चा बनता है, हजार बार कहा मुझे बिल्कुल पसंद है, पढ़ा लिखा में ध्यान दिया कर। हाँ जी पढ़ता तो रहता है। तुम चुप रहो जी, मैं अपने घर में सब नहीं चलने दूंगा, आखिर ये जिंदगी में कुछ करेगा बदन पर कर्ज लगा घूमता रहेगा, चल जाके पढ़। तू चुप रहो मुर्दी, तेरी भी बारी आएगी, सारा दिन खेल कूद में लगी रही। बात उसकी हो रही थी और गुस्सा तुम इस पे उतार रही हो। आजा मेरी लाडो आजा। भैया मुझे सिनेमा नहीं दिखाता। अरे वो क्या दिखाएगा, हम दिखाएंगे अपनी बेटी को, कौन सी फिल्म देखेगी हमारी लाडो? नई दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया कहाँ जा रहे हो? चौबे आप किधर को मुंह किया? जी रमेश के यहाँ जा रहा था पिताजी सवाल निकालने। क्यों सवालों क्या तकलीफ है जो घर पे नहीं निकलते? मुश्किल है पिताजी, दो जने होंगे तो जल्दी निकल आएंगे। आ जाओ जल्दी आ जाना। जी अच्छा। क्यों बेटे हो गई पढ़ाई? जी पिताजी, सवाल बड़े मुश्किल है मगर क्यों निकल आए? शाबाश, लाइफ बेटे ऐसे ही होते हैं। आखिर बेटा किसका है? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, ये शायद अलजेब्रा है और ये ज्योमेट्री। पाजी नालायक, मेरा भी बात बनता है, मुझे रास्ता दिखाता है, हजार बार मना किया फिर भी बात नहीं आता। जाने भी दीजिए आखिर बच्चा तुम है। अलग हट जाओ, तुमने ऐसे बिगाड़ रखा है। मेरी समझ में नहीं आता ये वर्दी और पट्टी इसके दिमाग में कहां से घुस गई। अरे हमारे खानदान में कोई 100-100 कोस भी इसके नतीजे फटका है, इसे जिंदगी में क्या बनना और क्या नहीं बनना इसका फैसला करना मेरा काम है, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो चमड़ी छोड़ दूंगा। तेरी किस्मत में तो मार ही लिखी है नसीब जले। अरे खड़ा
जाता क्यों नहीं? यहाँ क्या लड्डू बैठे? चला गया यहाँ से, जा यहाँ। पिताजी पिताजी, कुत्ते का दिल उसके टांग में होता है। रॉस, अंडरस्टैंड रॉस। देखो बेटा, क्या इंसान क्या हैवान, हर जानदार का दिल उसके सीने में होता है। लेकिन इसके टांग में टिक टिक क्यों होती है? दिल खून को जिस्म के हर हिस्से में पंप करता है, जिससे हर नस फड़कती है, जैसे कि हमारी नस। हमारी नस तो कलाई में है, लेकिन इसकी टांग में क्या? हर वक्त डॉक्टर छानता रहता है। जा जाके सो जा, काम करने दे अपने पिताजी को। देखो राधा, बच्चों के अंदर पैदा होने वाली रुचियों को कभी नहीं रोकना चाहिए। मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। कल कहीं से एक मेंढक पकड़ लाया था और छुरी ढूंढ रहा था उसको ऑपरेशन करने के लिए। डेढ़ हाथ का छोकरा अभी से डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। आदमी को जो कुछ बनना होता है उसके ख्वाब बचपन ही में देखे जाते हैं। लेकिन हमारे खानदान में कौन डॉक्टर था जो इसे डॉक्टर बना है? भाई मेरे खानदान में किसने बिजनेस किया था? मगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये तो अपना अपना शौक और अपनी अपनी लगन है। अच्छा बाबा, आपके लेक्चर में तो दूध भी ठंडा होगा, लीजिए। Dismiss the parade. Battalion, officer on parade, resurgent. Hello, Rajan. मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने आज तक तुम जैसा स्मार्ट कैडेट नहीं देखा। थैंक यू सर। राजन, पढ़ाई के बाद तुम आर्मी कमीशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? सर, मेरे बचपन से यही ख्वाहिश है। इट्स फाइन फाइन। मुझे यकीन है कि तुम्हारे ऑफिसर बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ तुम अगर कुछ मिलिट्री की किताबें पढ़ो। सर, मैं तो खुद यही चाहता हूँ, लेकिन ये किताबें मिलेंगी कहाँ से? डोंट बॉदर, तुम मेरे घर आ जाओ किसी रोज। आई विल गिव यू द बुक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। Thank you.
ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारे हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारे हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। जी क्या तो है मोहतरमा? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? साइकिल चलाना नहीं जानते तो चलाते क्यों हो? माफ कीजिएगा मैम साहब, यही सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। अगर आप स्कूटर चलाने जानते हो चलाते क्यों हैं? कसूर मेरा नहीं आपका है। मैं कहती हूँ कसूर आपका है। अजी आपका है, आपका है। कसूर ना आपका है ना आपका, बल्कि हुजूर के बाप का। ये जिन्होंने बरखुदार को साइकिल खरीद कर दे दी वो तो कहिए खैर हुई, वरना अगर कहीं मोटर में आपके जिसमें नाजुक तक कोई खराश आ जाती तो क्या होता? अपना नहीं तो कम से कम आपने इस वर्दी का तो ख्याल किया होता। हमारा यार वर्दी है तो ब्रेक थोड़ा ही है, और रॉन्ग साइड में मैं साहब थी। सुभान अल्लाह साहबजादे, लड़की कभी रॉन्ग साइड नहीं जा सकती, रॉन्ग साइड हमेशा मर्द होता है, इसीलिए आप इनकी साइड ले रहे हैं। बोला क्या फरमाते हैं, खुदा शाहिद है हम तो खनसैन है, लड़की के तरफदार नहीं, गलती जनाब की है। अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं भी मजा चखा देगी। रमेश, ओ रमेश, अरे गजब हो गया, तबीयत साफ हो गई प्यारे। बोर ना कर यार, पढ़ने दे मुझे। अरे तुझे पढ़ाई की पड़ी है, यहाँ जान पर पड़ी, गोली लगी है गोली। गोली? हाँ कहाँ? रमेश आंखों की दो नाली बंदूक थी, जख्म जरा अंदर हुआ है प्यारे, मर गए। इसका ऑपरेशन सिर्फ जूते से ही हो सकता है, डॉक्टरी में इसका कोई इलाज नहीं। अबे डॉक्टर की तुम, इलाज तो वो खुद करेगी जिसने दर्द दिया है। कौन है ऐसा डॉक्टर जो दर्द भी देता है और दवा भी? क्या नाम है उसका? नाम डॉक्टर कयामत। डॉक्टर कयामत? यार आखिर किस्सा क्या है? किस्सा? अरे रमेश तुम्हारी कसम, सर से पांव तक सांचे में ढली वो स्कूटर पे आ रही थी और मैं साइकिल पे जा रहा था, फिर नजरों से नजरें टकराई, फिर साइकिल से स्कूटर टकराया, फिर दिल से दिल टकराए। हालांकि मैं खुद रॉन्ग साइड पे था, लेकिन उस बेचारी ने मुझसे माफी मांगी, जवाब में वो मुस्कुरा दिया, फिर मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से मिला। रमेश मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी, फिर लोग हम दोनों की तरफ देख रहे थे, फिर
रमेश वो कुछ घबराई फिर शर्माई और नजर नीचे करके कहने लगी इडियट नॉनसेंस इडियट अबे कहने लगी डार्लिंग माय डियर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर कल शाम को चाय मेरे साथ पीजिए रमेश को चाय पीने की फुर्सत कहाँ राजन खाना भी भूल जाता है पढ़ाई में खोकर मेरा लाभ क्यों नहीं चाची इंग्लैंड से डॉक्टर की डिग्री ऐसे थोड़ी मिल जाएगी राजन जी रमेश के ख्वाब तो पूरे हुए अब ईश्वर तुम्हें भी अपने इरादे में कामयाब करे बस चाचा जी आपका आशीर्वाद चाहिए भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा अच्छा मैं चलता हूँ ऐसे भी क्या जल्दी है बेटा बैठो ना हाँ हाँ चाचा जी जरा काम में फिर आ जाऊंगा मैं अच्छा नमस्ते जी नमस्ते अच्छा रमेश ओके क्या बात है माँ क्या बताऊँ बेटा दफ्तर में चंगे भले काम कर रहे थे कि आज फिर दिल का दौरा पड़ गया अब तबीयत कैसी है अब तो कुछ ठीक है डॉक्टर आया था वो टीका लगा कर गया है कह रहा था इन्हें आराम की जरूरत है उधर दफ्तर से छुट्टी की मुश्किल इधर सेहत की ये हालत भगवान जाने अब क्या होने वाला है तू घबरा मत माँ सब ठीक हो जाएगा बस एक दफा पढ़ाई खत्म करके काम पे लग जाऊं फिर पिताजी को नौकरी करने ही कौन देगा डैडी हेलो रीना क्या बात है आज बहुत देर कर दी आज छह सेट खेले हैं डैडी छह अच्छा हाँ ओ देखो बेटी चाय पी के जल्दी से तैयार हो जाओ हमें एक दोस्त के घर खाने पर जाना है नो डैडी मैं थक गई आप वो आइए ना नहीं नहीं वो मेरा बचपन का दोस्त है आज इत्तेफाक से मिल गया हमें उसके घर जाना ही चाहिए और फिर तुम्हें तो उसने खास तौर से बुलाया है ओ डैडी कम कम बी ए नाइस गर्ल ओके गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग आ गए सुरेंद्रनाथ हेलो गिरधारी माफ करना हमें जरा देर हो गई कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं नमस्ते जीती रहो बेटी जीती रहो नमस्ते भाभी नमस्ते पहचाना नहीं मुझे मैं हूँ सुरेंद्रनाथ बख्शी तुम्हारी शादी पर लड़की का भेष बदल कर देखने आया था तुम्हें याद है ना हाँ हाँ क्यों नहीं और मेरे भैया ने तुम्हें शादी के लिए पसंद भी कर लिया था वंडरफुल वाह वाह गिरधारी तुम जो बचपन में कहा करते थे वो कर दिखाया क्या आलीशान बंगला बनवाया है बनवाया नहीं है सर बना बनाया खरीदा है 1.5 लाख में रॉस तुम हर बात में दखल न दिया करो अंडरस्टैंड मैडम आप लोग बैठिए मैं अभी आती हूँ बहुत अच्छा भाभी आओ सुरेंद्र आओ आओ बैठ भाई ये रोजी भी अजीब चीज है दोस्तों को कितनी दूर फेंक देती है एक दूसरे से सच कहते हो गिरधारी जवानी के बिछड़े आज बुढ़ापे में मिले एक्सक्यूज मी सर आप तो बुढ़ापे में भी जवान नजर आते हैं नजर कैसे ना है फौजी जो ठहरे बेटा रमेश अपने अंकल से मिलो नमस्ते अंकल जीते रहो बेटा नीना रमेश इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ रहा है इन दोनों छुट्टियों पर आया हुआ है और बेटा नीना भी एफएससी के बाद मेडिकल में जा रही है तो आप इन्हें भी इंग्लैंड क्यों नहीं भेज देते अंकल पहले इंडिया की डिग्री तो हासिल कर लेने दो पहले आप लोग जाकर खाना खा लीजिए फिर आराम से बातें करेंगे भाभी ये बात पते की कही है भूख भी बड़े जोरों की लग रही है ये तो बताओ भाभी पकाया क्या क्या है पकाते क्या जो चटनी रोटी है चलकर खा लो अच्छा तो आज चटनी रोटी ही सही रास्ता एकदम साफ है चुस्की लगा के भगवान शुक्र है तेरा कि आज मिट्ठू चाचा ने दर्शन नहीं दिए चाचा तुम मेरा मतलब है आप अबे आप तो आप आज तू मुझे अपना बाप भी कहे तो मैं तेरा लिहाज नहीं करूंगा बोल तू किराया निकालता है ये मैं तेरा सामान निकालूंगा चाचा चाचा सुनो सुनो
मुंह संभाल कर बात करो, मेरे कान ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं है। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 70 रुपए साठ आना। 70 रुपए साठ आना, ये लो, आने अभी जमा कर लो और रुपए एक आध दिन में पहुंच जाएंगे। मंगल, तू मेरी मछली उड़ा रहा है, उठा बोली। अरे चाचा, चाचा, तुम्हें मुझे क्या समझ रखा हुआ है? चाचा सुनो तो, चाचा आज अपना मकान खाली करा के दम लूंगा। चाचा बात तो सुनो। चाचा, चाचा, भगवान नहीं, चाचा चाचा चाचा, अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरा नहीं तो मेरे बाप का तो लिहाज करो। अब तुम दोनों बाप बेटा एक ही थाली के लड्डू। बेटा राम नाम की चिड़िया ले जाकर दुनिया को ठगता है और बाप मेरा 6 महीने का किराया दबाकर तीर्थ यात्रा को चला गया है। घर में खाने का ठिकाना नहीं, तू ऊपर से दारू पीते। चाचा, चाचा, इसी गम को भुलाने के लिए मैं 2 घूंट पी लेता हूँ कि खाने का ठिकाना नहीं, मगर तुम तो मेरे रहने का ठिकाना भी छीन रहे हो चुस्की लगा के। बापू, बापू, क्या बात है बापू, क्या हुआ? वही जो एक ना एक दिन होना था। रोनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम भी समझाओ चाचा को, पिताजी का मनी आना ही मैं सारा किराया चुका दूंगा। अरे बहुत बेवकूफ बन चुका है, 3 महीने से तेरे बाप का मनी आ रहा है, आगे से है वरना सामान के साथ तुझे एक बार फेंक दूंगा। चाचा मुझ पर नहीं तो इन बेजुबान चूहों पर ही दया करो, ये बेचारे आधी रात को कहाँ जाएंगे? निकल चूहों के अंदर, बाहर निकल। चाचा तुम्हारी कसम, मैंने जिंदगी भर कभी अपने बाप के पांव नहीं छुए, आज तुम्हारे पांव छूता हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिला। और हम अपना किराया मिट्टी में मिला दे, हमारा पैसा हराम का है क्या? शाबाश बेटी, फेंक इस खोखे को बाहर, घर को कबाड़ खाना बना रखा। बापू क्यों ना इसका सामान नीलाम करके हम कुछ पैसा वसूल करें, भागते चल की लंगोटी ही सही। तुझे बहुत दूर की सूझी, बुला ले लाने वाले को। चाचा, चाचा चाचा, अच्छा चाचा, अगर तुम मेरा सामान नीलाम कराने पर तुले ही हो तो इतनी दया और करो कि 2-4 बक्से अपने घर से उठाकर मेरे सामान में फेंक दो, वरना लोग क्या कहेंगे कि मंगल एकदम ठन गोपाल है चुस्की लगा के। मंगल क्या अपने किराए में हमारा सामान भी नीलाम कराना चाहता है? मोहनी अगर मेरे सामान का कुछ मिल सकता तो मैं खुद ही नीलाम कर चुका होता, मैं सच कहता हूँ, जल्दबाजी में तुम लोग अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा तार मनी ऑर्डर आने ही वाला है। बापू दिन रात जलती भट्टी के आगे खून सुखाकर पैसे का मुंह देखते हो, जहाँ इतने दिन सबर किया है वहाँ 2 दिन और देख लो, शायद इस बेशरम को शर्म आ जाए। अच्छा तू कहती है तो, पर देख रहे मंगल, अगर 2 दिन के अंदर अंदर साफ साफ ना हुआ तो हमारे झूठे बर्तन साफ करने होंगे। चाचा तुम फिक्र ना करो, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा घर ही साफ कर दूंगा। चाचा वो सामान तो उठाकर अंदर रखते जाओ। क्या कहा? चाचा मैं खुद रख लूंगा, खुद रख लूंगा। मान गए मुई मुई, आई भला टाल दी चुस्की लगा के। मगर कब तक टालती रहूंगी, कब आ रहा है तेरे पिताजी का मनी ऑर्डर? अरे उनका तो ऑर्डर आ गया है कि मनी का इंतजाम करके किराया चुका दो। हाय राम, मेरे पल्ले भी तो तूने कोई पैसा नहीं छोड़ा, अगर बापू ने मकान खाली करा लिया तो हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अरे कैसे खाली करा लेगा, मकान क्या उसके बाप का है? देख मंगल खबरदार मेरे बापू को कुछ कहा तो। ओहो नाराज हो गई, अरे वो तेरा बापू है तो मेरा भी तो कुछ लगता है, लगता है ना? जा अब जल्दी से भोजन का इंतजाम कर, पेट में चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं, जल्दी जा चुस्की लगा के। राजू मजा आ गया, तेरी कसम नशे आ गए नशे। कमबख्त आहिस्ता बोल, अगर पिताजी ने कहीं नशे का नाम सुन लिया तो सारा नशा उतार देंगे, अंदर भर। अब बता बड़े मूड में नजर आ रहा है, कोई लाठी निकली है क्या? लाठी नहीं लड़की निकली है। लड़की? लड़की? अरे तुझे तो कोई हरी गहरी राह चलते मिल गई थी, लेकिन अपने को तो ऊपर वाले ने बनी बनाई पली पलाई सजी सजाई घर बैठे भेज दी। अबे चक्रम लड़की है ये पार्सल जो घर बैठे तुम्हें डिलीवरी मिल गई? पार्सल नहीं बेटा, पारस कहो पारस, ऐसी लड़की पूरे पैरिस में नहीं मिलेगी। और मेरी जान तुम जैसा गुलठासन का गुडनू उसे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। तुम मजाक समझता है मुन्ना? नहीं, बाईगार्ड मुझे देखते ही दिल थाम लिया उसे। अच्छा जी? और आंखें बंद करके कहने लगी, क्या मिस्टर रमेश मैंने बहुत से देखे पर तुम सा नहीं देखा। बेवकूफ, बेवकूफ कहो या अकलमंद, मगर मैं तो मिट्ठू चाचा को जबान दे बैठा हूँ। अबे जबान दे बैठा या किराए में सामान दे बैठा? सामान दे बैठा है, क्या सर रखा है तुमने मंगल को? अरे सामान तो मैं खुद लेके जा रहा था कल रात को, मगर मिट्ठू चाचा ने मेरे पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, मंगल बेटा मत जाओ, मेरे बुढ़ापे पर तरस खाओ,
और मेरे घर जवाई बन जाओ चुस्की लगा के। अच्छा हाँ, अरे वो तो मेरी झोली में शगन डालकर शादी का दिन पक्का कर रहा था। अच्छा हाँ, मगर मैंने कहा कि शगन मैं लिए लेता हूँ और लगन पिताजी के आने पे होगा। राजू क्या है? अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। भैया मैं भागता हूँ, चाचा जी का गुस्सा खराब है और अपना यहाँ रिकॉर्ड खराब है। नमस्ते, राजू को नमस्ते कह देना। आप इडियट नॉनसेंस, वल्ला गजब करती हैं आप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर मुझे बताती हो, अंधी हो क्या, नजर नहीं आता? माफ कीजिएगा मोहतरमा, कसूर मेरा नहीं आपका है। मैं कहती हूँ कसूर आपका है। जी आपका है, आपका है। अजी कसूर ना आपका है ना आपका, बल्कि हजूर के बाप का, जिन्होंने बरखुरदार को टहलने के लिए अकेला सड़क पे छोड़ दिया। साहबजादे अब्बा हजूर की उंगली पकड़ के चला कीजिए। जबान काबू में रखिए तुबला, मैं तो अपने हाथ जा रहा था, रान साइड तो मोहतरमा थी। शरत सुभान अल्लाह, मौलाना साहब बात सुनी जी। हजूर बात यूँ है की औरत कभी रॉन्ग साइड नहीं होती, रॉन्ग साइड हमेशा मर्द होती है। अजी खुदा शाहिद है, हम सुखन फैम है, मैडम के तरफदार नहीं करवाती जनाब की थी। आदाब से किबला, आदाब से। मैम साहब ये स्कूटर आपके बस का रोक नहीं, इसे आज ही किराए पे उठवा दीजिए, वरना ये कमबख्त आपका चालान कटा के रहेगा। बदतमीज़, अजी को मालूम कर दीजिए, ये तो एकदम घिस चुकी है। इडियट, अजी ये कुछ बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम यहाँ कैसे? ये फंक्शन तो मुझे मालूम है सर, लेकिन वो बात ये है कि यहाँ की मम्मी है ना, मम्मी वो मेरी प्रिंसिपल है। व्हाट? जी मेरा मतलब ये है कि यहाँ की प्रिंसिपल मेरी मम्मी है। ओह आई सी, लेकिन ये बात तो तुमने पहले कभी बताई नहीं। सर आपने कभी पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा हमें कहती थी कि कार गुम हो गया है। कार गुम हो गया है या दिल? क्या बक रही तारा, तारा ने चांद चढ़ा देखा है। जाकर देख सीट नंबर 42 पे कौन बैठा है। कौन बैठा है? अपने दिल से पूछ ले। तो ये कुर्सी किसकी है? अभी मजा छिका दिया वाला है। Thank you.
तुम अपनी मम्मी के साथ नहीं जाओगे? मम्मी सर बात यह है कि उनके साथ जाने में देर हो जाएगी और घर में डैडी मेरी राह देख रहे हैं। लो वो भी आ गई। कहाँ है सर? हाँ ये रही। सर मैं खुद ही मिल लेता हूँ। थैंक यू। बाय बाय। मम्मी एक मिनट, इस कॉलेज की प्रिंसिपल आप ही हैं ना? जी हाँ, आप कौन हैं? जी मैं आर्ट वीकली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपके इस खूबसूरत शो के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, मैं आर्ट वीकली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे कुछ आपसे। आर्ट वीकली? तो आप कौन है? जी मैं स्मार्ट वीकली। ओह स्मार्ट वीकली आर्ट। हाँ जी कोई बात नहीं, कभी तो काबू आएगा। ये सुबह सुबह बंठन के कहाँ जा रहे हो भैया? मैं तो साहब यहाँ किताबें लेने जा रहा हूँ। किताबें लेने? हाँ। मैं तो समझी थी ससुराल जा रहे हो। अरे मैं ससुराल ऐसे थोड़ा ही जाऊंगा, ससुराल तो बाजे गाजे के साथ जाऊंगा, तुम्हें भी साथ ले चलो। कब जाओगे भैया? अरे पहले तेरा कन्यादान तो हो जाए, अपना नंबर तो बाद में लगेगा। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। हाँ मुझसे ऐसी बातें मत किया करो भैया, तो सारे मुझे चिढ़ाते रहती है तो चुड़ैल कहेंगी। अच्छी तेरे की जिस काम पे ध्यान रखता हूँ मैं, ठीक बात है तो यहाँ काम करना है। Yes? No. तुम? No. बड़े ढीठ हो तुम? Yes. बेशर्मी की भी कोई हद होती है। No. जी मेरा मतलब है yes. लेकिन माफ कीजिएगा, क्या ये बंगला 10 नंबर का नहीं? अच्छा तो आप 10 नंबर में जाना चाहते हैं? जी जी हाँ जी हाँ। चलिए मैं भिजवा देती हूँ आपको 10 नंबर के बंगले में। शुक्रिया। मोती जी, हो सके तो मोती से एक गिलास ठंडा पानी भी मंगवा लीजिए ना। मोती जरा सांप को 10 नंबर के बंगले में छोड़ाओ। अजी हाँ, इसको क्यों तकलीफ देती, मैं खुद ही चला जाता हूँ। सर आप यहाँ चलिए चलिए, आपका बंगला नहीं है। मेरा बंगला नहीं है? व्हाट नॉनसेंस। मोती सर ये आपका बंगला है तो फिर वो हाँ हाँ ये मेरा ही बंगला है। कहो तुम कैसे आए? सर मैं आया तो किताबें लेने था, लेकिन तो आओ अंदर आओ। कम ऑन। नहीं सर फिर कभी आ जाऊंगा, आज आप काफी मसरूफ हैं। नहीं नहीं आज मेरी छुट्टी है। कम ऑन, डोंट बी अफ्रेड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
लीला बेटी। यस डैडी। कम इन कम इन राजन, शर्मा क्यों रहे हो, अपना ही घर समझो। जी हाँ। यह है मेरी बेटी नीना। लीला, ये राजन है, हमारी एनसीसी का सबसे ब्रिलियंट कैडेट। हाँ डैडी, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इसे जानती हो? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि ये तुम्हारी प्रिंसिपल का बेटा है। हमारी प्रिंसिपल का बेटा? उनकी तो शादी ही नहीं हुई डैडी। शादी नहीं हुई? यस सर, यस सर। सर दरअसल बात यूँ है कि इनकी प्रिंसिपल और मेरी माताजी बहुत गहरी सहेली हैं, इसलिए उनमें अपने माताजी में कोई फर्क ही नहीं समझता। ओह, समझा समझा, आओ बैठो बैठो। नीना बेटा, तुम जरा चाय के लिए कहो, मैं इतनी देर में तुम्हारे लिए किताबें लेकर आता हूँ। थैंक यू सर। एक गिलास ठंडा पानी। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो, स्पीकिंग। यस सर। वेरी वेल सर। ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग सर। माफ करना राजन, मैं एक जरूरी काम से कर्नल साहब की कोठी पर जा रहा हूँ। लेकिन डैडी, चाय तो पीते जाइए ना। बेटी, मुझे जल्दी पहुँचना है। अच्छा सर, तो मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, चाय पी कर जाना, फिर बैठो। ओके ओके सर। अरे, ये आपने खुद क्यों तकलीफ की? घर आए मेहमान की खातिर तो करनी चाहिए। खातिर तो आप पहले ही काफी कर चुके हैं। अच्छा, तो आपकी माता जी हमारी प्रिंसिपल की सहेली हैं? जी जी नहीं, आपकी प्रिंसिपल मेरी माता जी की सहेली। तो फिर वो कार्ड हमारे प्रिंसिपल ने आपको भेजा होगा? आप तो सब जानते बूझते शर्मिंदा कर रही। दरअसल बात ये है कि मुझे आपका डांस देखना था, सो मैंने देख लिया। नीना देवी, आप डांस बहुत अच्छा करती। डांस तो आपका भी बुरा न रहता अगर कल आप हम लड़कियों के काबू में आ जाते। अजी, आ जाता तो अच्छा ही होता। अगर कल आप लोगों के साथ भरतनाट्यम कर लेता तो आज मोती के साथ रॉक एंड रोल तो नहीं करना पड़ता। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा हादसा है। अब देखिए ना, हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बिन बुलाए बिन चाहे एक दूसरे के रास्ते में चले आए। अब इसमें कुदरत का क्या राज है, ये तो भगवान जाने, या फिर जी मेरे गुरु। गुरु जी? आपके भी कोई गुरु है? नीना देवी, आप तो हर बात मजाक में ले लेती। यकीन मानिए, मेरे गुरु बहुत पहुंचे हुए आदमी, बिन देखे बिन सुने दिल की हर बात बता देते। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। अजी, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से उनका चमत्कार देखा है मानने पर मजबूर हो गया हूँ। आप खुद चलकर देख लीजिए। अच्छा, तो चलेंगे किसी दिन? कल चलिए ना। कल? जी हाँ, 2 बजे उसी मोड़ पर मैं आपका इंतजार करूंगा। 2 बजे आप आएंगी ना? हाँ। तो मैं चलूं? यहाँ आए थे मेरे गुरु। ना आदमी ना आदमी की जात। दुनिया से अटंक है ना, बस ये गुफा पार किए हो गए उनके दर्शन। उनको इतला कर दूं कि हम आ गए। हम्म, जय हो महाराज। Thank you.
प्रणाम महाराज। महाराज इस वक्त समाधि में। तुम आ गई नीना बेटी? जी जी महाराज। हम जानते थे कि आज के दिन तुम अवश्य आओगी तो लेके। हाँ महाराज, इनकी कृपा से। ये सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है बेटी। कुछ दिन हुए तुम किसी विमान किसी हिंडोले पर बैठी जा रही थी कि तुम्हारी इनसे टक्कर हो गई। हाँ हाँ महाराज, मैं अपने स्कूटर पर थी। और मैं अपने साइकिल पर महाराज। बच्चा, ये साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर हेलीकॉप्टर हम कुछ नहीं जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि ये अवश्य होना था। तुम दोनों का एक दूसरे के निकट आना लिखा था। एक बार तुम फिर उसी स्थान पर मिले और कोई सफेद सी वस्तु तुम्हारे तीसरे मिलन का कारण हुई। लिफाफा। ठीक महाराज, सुना नहीं थी। एक रंग मंच था जिसपे नीना बेटी नाची और साथ तुम भी नाचे। तुम? मैं नहीं नाचा महाराज। भावनाओं का नाचना और शरीर का नाचना एक ही बात है बच्चा। आप धन्य हैं, धन्य हैं महाराज। तुम्हारा आज का नहीं जन्म जन्म का संबंध है। पिछले जन्म में तुम पुरुष थी और ये तुम्हारी स्त्री, लेकिन इस जन्म में इसके उलट होने वाला है। तुम पति पत्नी जरूर बनोगे, लेकिन बस एक यज्ञ करना होगा। तुम्हारे जैसे जो दुखी प्राणी यहाँ आते हैं उनके जलपान का प्रबंध करना होगा। हाँ महाराज। युवक ठीक कहता है पुत्री, स्त्री को माया का नहीं सोने या चांदी का दान करना चाहिए। सोना? हाँ महाराज। और पुरुष को नगद नारायण का दान करना चाहिए। मंगल तुम पर बहुत भारी है बच्चा, किंतु इस समय तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ महाराज, वो तुम्हें देख ही रहा हूँ। लीजिए महाराज। परे 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 परे, बेटी माया की छाया हम पर ना पड़े। इसे यहाँ रख दो और तुम जाओ, और जब तुम्हारे पहला बच्चा हो बच्चा, उसे हमारी सेवा में जरूर लेकर आना चुस्की लगा के। जरूर लाएंगे महाराज, दूसरा भी लाएंगे चुस्की लगा के। चुस्की? ये चुस्की लगा के क्या चीज है? वो स्नान करके, स्नान करके। वाह 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 वाह, कितना विद्वान बच्चा है। कल्याण हो। नमस्कार महाराज। सदा सुखी रहो, जाओ। मगर जरा संभल के, इस गुफा में एक भूत का निवास है। भूत? परंतु घबराने की कोई बात नहीं, जब तुम्हारे साथ ये युवक है तो क्या चिंता है। जा। आप चलिए ना। अकेले? देखा, कुदरत की हर चीज चाहती है कि हम एक दूसरे के करीब आ जाएं।
धीरे कहाँ तक चले हाय धीरे कहाँ तक चले जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता धीरे चलाओ जरा धीरे चलाओ जरा कभी न आए कोई दूसरा धीरे चलाओ जरा धीरे चलाओ जरा मुकद्दर की गाड़ी पे हम दो हराएं ये नया रास्ता धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे कहाँ तक चले झूमता नजारा सफर प्यारा प्यारा है मौसम का इशारा यहाँ न रुकना जहाँ भी तू कहेगा जहाँ भी ले चलेगा चलूंगी संग तेरे वो मेरे सजना धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे कहाँ तक चले जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता धीरे चलाओ जरा मुकद्दर की गाड़ी पे हम दो हराए ये नया रास्ता धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे कहाँ तक चले जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता धीरे चलाओ जरा हाय धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे चलाओ जरा धीरे कहाँ तक चले हाय हाय भैया मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी लेकिन झिझकती हूँ कि झिझक करो मुझसे भाभी मुझे गैर समझती हो बताओ तो क्या बात है बात दरअसल ये है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ इस घर में है लेकिन फिर भी ओहो तुम्हारी जबान भी बस मेरे ही सामने चलती है भाई सुरेन सीधी और सच्ची बात तो ये है कि अगर तुम्हारी नीना इस घर की बहू बन जाए तो तुम्हें कोई एतराज है एतराज बहुत बड़ा एतराज है और वो इसलिए कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली ओ सुरेंद्र भैया तुमने हमारा मान रख लिया भाभी कैसी बातें करती हो मैंने कोई एहसान किया है मैंने तो अपने फायदे की सोची है बस तो सुरेंद्र रमेश के डॉक्टरी पास करते ही हम शादी तय कर देंगे हाँ हाँ इतनी जल्दी भी क्या है अभी तो नीना भी पढ़ रही है लो वो भी आ गए आओ बेटा बहुत लंबी उम्र है तुम दोनों की बैठो बेटी चाय पियो नहीं आंटी अब चलेंगे आ गई बहुत देर हो गई चलो डैडी ओ यस अच्छा बेटा रमेश लंदन जाकर हमें भूल मत जाना नहीं नहीं अंकल ऐसे कैसे हो सकता सॉरी मैं सी ऑफ करने नहीं आ सकूंगा मेरी नाइट ड्यूटी है इट्स ऑल राइट अंकल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू अच्छा भाभी नमस्ते बाय बाय गिरधारी बाय बाय कम ऑन नीना Thank you.
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आप यहाँ कैसे? एक दोस्त के यहाँ से आ रहा हूँ, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? जी मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। क्या प्रभु की लीला है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। आपकी तारीफ जितनी की जाए थोड़ी है। वैसे दास को हिंदी में मंगल और अंग्रेजी में ट्यूसडे कहते हैं। ट्यूसडे? ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी कैलेंडर में देखा होगा। राजन जी, तुम्हारे दोस्त बहुत दिलचस्प हैं। जी हाँ। क्या करते हैं? जी प्रभु का ध्यान और दोस्तों का कल्याण चुस्की लगा के। सर मैं चलूं? ओके ओके राजन जी, किस संडे को आओ ना हमारे घर, मिस्टर ट्यूसडे को लेकर। जी हाँ जरूर आऊंगा। ओके ओके सर। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब तो बहू ला के ही रहूंगी इस घर में। माँ? माँ तो बस अब दादी बनना चाहती है बेटी। ओहो, तुम इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँच गई माँ। कुछ दिन और मुझे आजादी से गुजार लेंगे, फिर देखा जाए। देखा क्या जाएगा, मैं तो नीना के पिता से बात भी पक्की कर चुकी हूँ। नीना के पिता से? हाँ, नीना जैसी लड़की चराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन अब तुमने बात पक्की कर ही ली है तो फिर मुझसे क्यों पूछती है? इसलिए कि अब तुम बच्चे नहीं जवान हो। और मुझे जवान हुए 10 बरस हो गए चाची, मगर कोई पूछता ही नहीं चुस्की लगा के। अबे घंट चक्कर, अगर तेरे यही लक्षण रहे तो बूढ़े हुए भी 10 बरस हो जाएंगे। मगर शादी नहीं होगी। करेक्ट। क्या बात है चाची, रमेश के लिए कोई लड़की देखी है क्या? देखी क्या बेटा, बात भी तय हो गई है। अच्छा, लेकिन चाची मेरी होने वाली भाभी है कैसी? ऐसी कि अंदर बिठा दो तो बाहर उजाला हो जाए। तो फिर देर क्या है चाची, जल्दी लाओ ना, बिजली का बिल बचेगा। मेरे इंग्लैंड से वापस आने तक तो बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। भान कहेंगे। हिसाब में लिख लो। जब देखो लिख लो, जब देखो लिख लो, बाप का माल समझ रखा है। नीना, ओ नीना सुनो तो, अजी कमाल है, तुम तो पैदल तो स्कूटर की स्पीड से चलती हो। मैं कहती हूँ मेरा पीछे छोड़ो। लेकिन हजूर मेरा कसूर क्या है? 420। 420 कौन? तुम और तुम्हारा वो ढोंगे ट्यूसडे। मैं पूछती हूँ तुम्हें ये ढोंग रचाने की जरूरत ही क्या थी? देखो नीना, मैं ठहरा एक सीधा साधा आदमी, प्यार की भूल भुलैया में भटकना मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने वो शॉर्टकट ढूंढा जिससे जल्द अज जल्द तुम्हारे नजदीक पहुंच जाओ। नीना, बस कल बीए का रिजल्ट आउट हो जाए, मिलिट्री ऑफिसर बन जाऊं, फिर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का मजा आ जाए। तुम जैसे मस्करे के साथ दो घड़ी हंस खेल लेना तो ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी? छी। किसे कहा मस्करा? तुम्हें। किसे? बस बाबा बस। बस अजी मेम साहब, बस तो यहाँ नहीं, लेकिन साइकिल हाजिर है, चलिए ना। कहाँ? जहाँ गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया था। चलो तो, मैं तुमसे बात नहीं करूँ। अजी सुनो तो, रुक गए क्या? रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़ी शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़ी शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी। हाय दिल को चुरा कर ले गया हूँ, छुपा लेना हमसे वो आपका, छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिर हमें, और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम
रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़ी शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जी में होते हुए उसे किसी अच्छे से काम पर लगवा दूं। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसलिए मैंने सोचा अपने दफ्तर में जो नई पोस्ट निकली है ना वो। लेकिन वो तो अकाउंट्स की नौकरी है जिसके लिए हमें कम से कम बीकॉम लड़का चाहिए, और आपका लड़का तो सिर्फ बीए ही है। आप ठीक कहते हैं मेहता साहब, लेकिन बड़ा होनहार है मेरा बच्चा, महीनों का काम दिनों में सीख जाएगा। आप मुझे ही देखिए ना, मैं जब नया नया आपके पिताजी के हाथों यहाँ मुलाजिम हुआ था तो क्या जानता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेहनत और उनकी मेहरबानी से। जब की बात और थी निहालचंद जी, उस जमाने में इतना कंपटीशन ही कहां था, और अब इस पोस्ट के लिए 400 एप्लीकेशन आ चुकी हैं।
एक से एक बढ़कर क्वालिफाइड आदमी की, उन्हें एक तरफ करके मैं किसी अनक्वालिफाइड आदमी को कैसे ले सकता हूँ? आप एक बार मौका तो देकर देखिए मेहता साहब, मुझे अपने बेटे पर बड़ा नाज है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात उसूली तौर पर गलत होगी, मानता हूं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस कंपनी को दिए, क्या इस पर मेरा कोई हक नहीं? अब इन सफेद बालों को लेकर और किसके आगे हाथ फैलाऊं? हाँ, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं उसे मौका देकर देखता हूं। मेरा रोम रोम आपका धन्यवाद है मेहता साहब। मैं जानता था आप मालिक एक तरह के माँ बाप ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेटर्स अभी पोस्ट कर दीजिएगा। जी बहुत अच्छा, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो अब दस दस दर्दी बिठा दूंगा अपनी चुई मुई के लिए। हाँ जी, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहीं लाटरी वाटरी निकल आई है क्या? अरे बेटे को नौकरी मिल गई है, लाटरी से कम है क्या? है सच, शुक्र है भगवान तेरा शुक्र है, तूने हमारी। क्या बात है माँ, बड़ी खुश नजर आ रही है। राजू राजू बेटा, बधाई हो। बधाई हो। किस बात की बधाई माँ? अरे तूने सुना नहीं, तेरी नौकरी लग गई है। नौकरी? कैसी नौकरी? अपने दफ्तर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 250 रुपए तनख्वाह है, 250। तू बड़ा खुशकिस्मत है बेटा। अरे लोगों को तो महीनों वर्षों बैठना पड़ता है, पर तू उधर पास हुआ और तुझे नौकरी मिल गई। लेकिन लेकिन पिताजी, मैं तो मिलिट्री में अर्जी दे चुका हूँ। मिलिट्री? जी। किससे पूछ के दी? मुझे नहीं मालूम था कि अभी तक तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार है। अरे हमारे पूरे खानदान में किसी ने भूल के भी मिलिट्री में नौकरी की है? ये कोई जरूरी तो नहीं पिताजी कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने, वो डॉक्टर वकील बिजनेसमैन कुछ भी बन सकता है। ये तो अपने अपने लगन अपने अपने शौक की बात है। ये शौक क्या बला है, जवानी के नशे में इंसान अंधा होता है, वो कभी अपना नफा और नुकसान नहीं सोच सकता। ये सिर्फ माँ बाप ही समझते हैं कि औलाद के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन पिताजी, क्या औलाद की किस्मत का फैसला करने का हक सिर्फ माँ बाप को ही है? क्या औलाद को अपनी उमंगों अपनी उम्मीदों को पूरा करने का कोई हक नहीं? पिताजी, मैं वो नौकरी नहीं करूंगा जिसमें मेरा मन ही ना हो, वो मेरे लिए बेकार होगी और मैं उसके लिए बेकार। नहीं करोगी बकवास, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में मेरी चलेगी, मैं जो फैसला कर चुका हूं अटल, पत्थर पे लकीर, अगर तुझे मंजूर नहीं तो तेरा रास्ता बुरा। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं पिताजी, अब मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा, चला जा, दबा हो जा। राजू, राजू मत जा बेटा, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, एक ही बेटा है तू हमारा, अगर लड़ाई में तुझे कुछ हो जाए। चलो चलो कैसे, जाने दे, मर दे, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे मुंह को आए। माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उन्हीं को आंखें दिखलाता है। निकल जा, चला जा, चल 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 चल। राजू, अरे ले जाइए, राजू, राजू जा जा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अब कोई ऐसे खतरे की बात नहीं, लेकिन हाँ एक बात का खास ख्याल है कि इन्हें किसी किस्म का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। दिल का केस है, जरा सी बात खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा तो अब आप इन्हें आराम करने दीजिए, मैं एक बार रात को फिर आ जाऊंगा। बेटा, आखिर वो तेरे पिता है, कोई दुश्मन तो नहीं? मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर माफी मांग ले, उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जा बेटा। Thank you.
पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूंगा पिताजी। यस सर। मैं पूछता हूँ ये बिल अभी तक पूना क्यों नहीं पहुंचे? जी वो आज ही भिजवा देता। आज भिजवा भी दोगे तो क्या होगा, 31 मार्च को सब सरकारी अकाउंट बंद हो जाते हैं और फिर ये सब टोटल भी गलत है। मैं हैरान हूं तुम्हें ये मामूली जमा तकलीफ नहीं आती। बीए में क्या मजमून था तुम्हारा? जी हिसाब। यू मीन मैथमेटिक्स? जी हाँ। तो फिर बात क्या है? जी वो कोशिश तो बहुत करता हूँ मेहता साहब। हाँ कोशिश करते हो, जो से ठीक करके लो, आयदा गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। आपका फोन साहब। स्पीकर प्लीज। हेलो। क्या बात है राजी, दिनों से शक्ल ही नहीं दिखाई। ऐसे ही जरा कुछ काम था। जानती हूँ तुम बड़े दुखी हो, लेकिन ये दुख तकलीफ में ही है राजन। जब आदमी किसी से मिलता है, बातें करता है, फिर दुख दुख नहीं रह जाता। ये बातें क्या टेलीफोन पर करने की है, और वो भी दफ्तर में? अच्छा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना बता दो कब मिलोगे। जब फुर्सत होगी खुद ही चलाऊंगा, और शायद ना भी आ सकूं। हेलो हेलो राजन, हेलो राजन, राजू मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मुझे माफ कर दो नीना, हालात से मजबूर होकर न जाने टेलीफोन पर क्या उल्टी सीधी कह बैठा मैं। कोई बात नहीं राजू, मुझे ही कही है ना, तुम जो भी कहो मुझे कहो, लड़ो भी तो मेरे साथ। नीना। हाँ राजू। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। तुम मुझे भूल जाओ राजू। हाँ नीना, जो जो सपने हमने एक साथ देखे थे ना, वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा मत कहो, अगर तुम्हारे साथ मिलकर मैंने कोई सपनों का संसार सजाया था तो उसे जो कुछ भी होता है तुम्हारे साथ ही देखूंगी। लेकिन नीना मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ एक और जिंदगी बर्बाद हो जाए। जिस मंजिल पर मैं पहुंचना चाहता था वो मुझसे बहुत दूर हो गई है नीना, इतनी दूर कि मैं वहां कभी पहुंच भी नहीं सकता। कहां एक मिलिट्री ऑफिसर और कहां मैं। कैसी बातें करते हो राजू, मैंने किसी मिलिट्री ऑफिसर से नहीं तुमसे प्यार किया है। वो सब ठीक है नीना, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे आराम कुछ ऐसे सुख होते हैं जो शादी के बाद मैंने तुम्हें देना चाहे थे, लेकिन अब उनकी कोई उम्मीद नहीं। तुम्हें उनके बिना देखकर जानते हो मेरी क्या हालत होगी। तुम कितने भोले हो राजू, जिन चीजों को तुम मेरा सुख और आराम कहते हो मेरी नजरों में तो वो कुछ भी नहीं। मैं जो तुमसे मांगना चाहती हूँ वो स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बोलो तुम वो दे सकोगे मुझे? नीना मेरे पास है ही क्या, कुछ भी तो नहीं। मैं एक नाकाम सा आदमी तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ? दे सकते हो जब भी मांग रही हो ना, बोलो। तुम मुझे इस काबिल समझती हो नीना, तो मेरी जान भी हाजिर है।
राजू तुम अपने सारे दुख मुझे दे दो। हाँ राजू अब तुम्हें ईद कैसी है पिताजी? अब तो कुछ ठीक हूं बेटा, तू बता तेरा काम कैसा चल रहा है? जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, दफ्तर के सब लोग मैनेजर साहब बहुत खुश हैं मुझसे, बहुत खुश हैं। है ना? जी मैं तो जानता था, मैं तो पहले ही जानता था। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारा मन ही नहीं इस काम में। ऐसा करो तुम अपने मतलब की कोई जगह तलाश कर लो, ये बहुत जिम्मेदारी की जगह है, तुम्हारे बस का रोग नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर राजन, मैंने आपके सब पेपर्स देखे हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग, कमांडेंट की पुरजोर सिफारिश और आपका शौक सब इस बात का सबूत देते हैं कि आप एक काबिल मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन इस सर्टिफिकेट के मुताबिक आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। वो तो मैं भी जानता हूं सर, लेकिन लेकिन क्या मेरी उम्र उस दिन से नहीं गिनी जा सकती जिस दिन मेरी एप्लीकेशन पहली बार मंजूर की गई थी? अगर मेरे पिताजी ने इजाजत नहीं दी तो उसमें मेरा क्या दोष है? मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर राजन, लेकिन आपके इंटरव्यू के न जाने से आपकी पहली एप्लीकेशन फाइल कर दी गई थी और अब आप 3 महीने ओवर एज हो चुके हैं। क्या सिर्फ 3 महीने ओवर एज हो जाने से? एक ऐसा आदमी जिसके दिल में बचपन से ही फौज में भर्ती होने और देश की सेवा करने की ख्वाहिश हो, वो हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। सर आप कुछ भी करके अपने इस कानून में थोड़ी सी तब्दीली नहीं कर सकते? नहीं मिस्टर राजन, तब्दीली तो सिर्फ उस वक्त होती है जब देश को किसी किस्म की लड़ाई का खतरा हो, तब शॉर्ट सर्विस, टेम्पररी और इमरजेंसी कमीशन निकलती हैं, वरना नहीं। तो क्या किसी भी तरीके से कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए? आई एम सो सॉरी, अगर कुछ भी हो सकता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। सोचा था और क्या हो गया? राजू ठीक हो जाएगा, आखिर सब ठीक हो जाएगा। आखिर मंगल, आखिर तो एक ही चीज ठीक होती है दोस्त, एक ही चीज, मौत। सच कहता है तू, मौत आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार क्या मौत की बातें शुरू कर दी हैं, जरा हौसला रख, सब भूल जाएगा। अरे मंगल न जाने तेरी शराब हल्की है कि मेरा गम तीखा है, मुझे तो सब भूला हुआ भी याद आ गया मंगल। देखो ना इस नीले गुंबद के नीचे दुनिया कितनी मीनाकार थी, कितने हजार रंग, मगर मंगल अब तो सिर्फ एक ही रंग बाकी रह गया है दोस्त, मायूसी और अंधेरे का रंग। मंगल मंगल वो मेरी माँ है ना, माँ बहुत भोली है बेचारी,
समझती है न जाने में क्या करती। सारा घर सोने से कर्जे उतार दूंगा, बहन की शादी कर दूंगा। लेकिन मंगल सच बताओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मंगल, कुछ नहीं होगा राजू, कुछ नहीं होगा मगर कुछ नहीं राजू। राह के तालिब हैं पर बेराह पड़ते हैं कदम, देखिए क्या ढूंढते हैं और क्या पाते हैं हम। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो चल खाली। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो चल खाली। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो कल खाली। रंगीन वो जमाना था, सपना वो क्या सुहाना था, सब सुबह शाम खुशियों के जाम, हर सांस एक तराना था। रंगीन वो जमाना था, सपना वो क्या सुहाना था, सब सुबह शाम खुशियों के जाम, हर सांस एक तराना था। अब तो बस हर घड़ी दुख भरी बेबसी, आस की हर किरण अश्क बन बह गई। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो कल खाली। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो कल खाली। क्या नींद किसको सोना है, अब सारी रात रोना है, टुकड़े बिछा के सब कुछ भुला के बस एक बार सोना है। क्या नींद किसको सोना है, अब सारी रात रोना है, टुकड़े बिछा के सब कुछ भुला के बस एक बार सोना है। जिंदगी जिंदगी ओ मेरी लाडली, पागले मिल है शायद ये रात आखरी। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो कल खाली। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे वो कल खाली।
राजू बेटा क्या बात है, सुख तो है ना? माँ सब सुख ही सुख है, अब कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। राजू राजू तूने शराब पी है? आहिस्ता बोल माँ, आहिस्ता बोल। ये तूने किस खुशी में शुरू कर दी है दुख? बाप को संभाला है या बहन के हाथ पीने की? तू तो कहता था एक दिन तुझे राज करवाऊंगा, राज, ये राज है, ये राज है। अरे माँ राज ही तो कर रही है तू, है राज नहीं कर रही। देख देख, रोटी खाने को नहीं, कपड़ा पहनने को नहीं, और ये तेरे बर्तन खटिया रह गए है ना माँ, एक दिन ये सब दिख जाएंगे, फिर राज ही राज होगा, एकदम राज होगा। पहले ही क्या कम था जो पसे तो बर्बादी भुतला है। सारी दुनिया ने मुझे मारा माँ, उस पर तूने भी मुझे मारा माँ, तूने ही मुझे मारा। तेरी किस्मत में तो मार ही लिखी है नसीब चले, मार ही लिखी है। बता कहीं ज्यादा लंगी तो नहीं मेरे बच्चे, कहीं ज्यादा लंगी नहीं ना? राजू माँ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो क्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें? तुम कौन होती मुझे शर्म दिलाने वाली? मैं कोई भी नहीं। चली जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, मैं इस घर में आई ही कब थी कि निकाली भी गई। बंद करो ये सब, अब जब जिंदगी में कोई कीमत नहीं रही, मुझे जली कटी सुनाने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। मैंने सुना था सोना आग में पड़ता है तो कुंदन हो जाता है, लेकिन तुम जिंदगी की आग में पड़े तो पीकर भी नहीं। इसे कहते हैं मर्द, जरा मुंह की खाई लगे शराब पीने। लड़खड़ाते हुए घर आने, विधवा माँ के टूटे हुए दिल को जोड़ने के बजाय टुकड़े टुकड़े कर, बहन की मांग में सिंदूर भरने के बजाय राख डाल देने। जिंदगी पे फतेह पाई। मुझे माफ कर दो नीना, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? माँ ने तुम्हें मारा, तुमने मुझे, बराबर हो गए। बस नीना बस, मैं बहुत शर्मिंदा, मैं मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं नीना, ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब बातें तुम कुछ भी करने वाले होते तो हर मुसीबत पर मुस्कुराते, हर बार गिरकर एक नई हिम्मत से उठते। अगर उम्मीद के सब दरवाजे बंद हो गए थे तो जो कहीं निकल भागने का एक आध रास्ता था उसे भी ठोकर मारकर बंद कर देते। फिर वो देने वाला भगवान आप ही शर्मसार होकर तुम पर पूरी जिंदगी के रास्ते खोल देगा। अगर तुम में हिम्मत होती तो यू मुंह लटका कर घर लौटाने के बजे कहीं भी निकल जाते और आसमान की किसी अंधे कोने में अपना सितारा ढूंढ लेते। ऑफिसर न हो सके तो सिपाही हो जाते। सिपाही? हाँ सिपाही, सिपाही तो फौज की जान है। अगर दुनिया के बहुत से लोग एक मामूली हैसियत से तरक्की करते करते बड़े आदमी बने तो सिपाही ने भी जरूर का ओहदा पाया है। तुम ठीक कहती हो नीना, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं, लेकिन लेकिन क्या तुम एक सिपाही के साथ? शायद किसी को एक राजा की रानी बनकर इतना गौरव ना होगा जितना मुझे एक सिपाही की बीवी बन जाने का। नीना कृष्ण लाल राजन खन्ना। अच्छा माँ, जुग जुग जीव बेटा,
परदेश में अपना ख्याल रखना। अच्छा उसी। अरे उस लफंगे मंगल ने मुझे कई खाना छोड़ा। मैं क्या करूं? अरे चौधरी तू ही बता मैं क्या करूं बाबा। सब्र करो मिठू राम सब्र करो। अरे कोई तेरी बेटी को बाल समेटने का उड़ जाए तो क्या तू सब्र करेगा? मिठू मैं तेरी तरह गधा नहीं जो जवान जहाँ बेटी को घर में अकेला छोड़ के दो दो दिन गायब रहूं। अरे मुझे क्या मालूम था, मैं तो उस चुड़ैल की शादी के लिए साई देने गया था बाजे वालों को। इतना तो सोचना था मिठू कि पीछे घर में बाजा ना बन जाए। अब घर घर ढोल पीटेगा तेरी बेटी की करतूत का। अरे मैं तो उस दिन को पछता रहा हूँ जब उस ठग विद्यारथी को मैंने मकान किराए पर दे बैठा। अरे मंगल तो मंगल, कहीं उसका ढोंगी बाप भी मेरे हाथ में आ जाए तो मुर्गा बनाकर भट्टी में झोंक दूंगा। राम जी की मिठू राम जी। अरे वाह पंडित विद्यारतन, भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी, मिठू तुम्हारी ही गुनगा रहा था। क्यों नहीं क्यों नहीं, घर में तो सब कुशल है ना मिठू? एकदम कुशल। अब मैं तेरी कुशलता पूछता हूँ। अरे यार मिठू ये क्या, आते ही दिल लगी शुरू कर दी। तुरे चोर के बाप कहाँ ले भागा तेरा लाडला मेरी बेटी को? मिठू राम ये क्या कह रहे हो, कौन ले भागा है मेरे मंगल को? मिठू की बेटी। अरे लुट गया बर्बाद हो गया, मुझे मालूम ना था कि मेरे पीछे मेरी इज्जत पे तुम डाका डालोगे। उल्टा चोर को तुम्हारे को डांटे। अरे डाका तो तेरे बेटी डाला मेरे घर में। अरे बेटी तो बेटी, साथ में 15,000 का माल भी ले उड़ा। तू अपने 15,000 को रो रहा है, मेरा 7,00,000 का कमाऊ बेटा छिन गया है मुझसे। बदलू जाने नहीं देना इस चोर को, मैं अभी आता हूँ पुलिस में रबड़ लिखवा के। अरे ठहरो विद्या रतन जी। नहीं नहीं छोड़ दो मुझे। भाई मिठू पाँव पकड़ लो पंडित के, केस इसका मजबूत है। अरे बदलू बेटी मेरी गई, माल मेरा गया और केस इसका मजबूत हो गया। बात ये भी ठीक लगती, केस तुम्हारा भी मजबूत है और तुम्हारा भी मजबूत है, पर कचहरी चढ़ने से पहले इतना सोच लो मोहनी और मंगल का केस तुम दोनों से ज्यादा मजबूत है। वो कैसे? वो ऐसे कि दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ तो हम क्या करें? अब बंद करो लड़ाई और बांटो मिठाई, बधाई हो बधाई। पंडित कहा सुना माफ कर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। Thank you.
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नमस्कार घोष बाबू। नमस्कार बाबा। नमस्कार की खबर? भालो अच्छे। तुम्हें बाड़ी जाओगे ना? की जावे बाबा। की रकम? 12 दिन का छुट्टी है, 4 दिन जाने में 4 दिन आने में, और 4 दिन में जाके वाइफ से क्या मिलेगा, इसीलिए पोत पर लिख देता है। अरे तू 4 दिनों के लिए रो रहा है? जाने वाले का दीदार तो एक लम्हे के लिए हासिल हो जाए तो दोनों जान मिल जाते हैं घोष बाबू। ये बोलछे बाबा? आमी बोलछी बाबा कि तुम्हारा पोत्र जाने में और तुम्हारा खुद जाने में किछु फर्क नहीं है। की फर्क पड़ता है रे? हम गया क्या, हमारा पोत्र गया क्या, एक ही कथा है रे। जमी कागज के बन जाए समंदर रोशनाई का, बया फिर भी न होगा हमसे ये किस्सा जुदाई का। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांग ने दिल को मांग धड़के हैं, देखेंगे उन्हें तो क्या होगा, हम होश भी अपने खो देंगे, मस्ती से भरा जलवा होगा। दिल अपना अभी से धड़के है, देखेंगे उन्हें तो क्या होगा, हम होश भी अपने खो देंगे, मस्ती से भरा जलवा होगा। वो सामने हो फिर आए मजा, कुछ कहना है कुछ सुनना है। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। शिकवे होंगे होंठों पे हंसी लहराएगी, सागर से मिलेगी जब नदिया तूफान पे रौनक आएगी। आंखों में जवां शिकवे होंगे होंठों पे हंसी लहराएगी, सागर से मिलेगी जब नदिया तूफान पे रौनक आएगी। अब बादल बन के बरसना है, मौजों की तरह से उभरना है। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे भरना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। से कहेंगे शर्मा के परदेश गए थे क्या लाए, हम उनसे कहेंगे जाने जहां दिल अपना बचा कर ले आए। अब आंख मिलाओ बात करो, हम सामने है क्या पर्दा है। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना, जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे बनना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है, जिस मांग ने दिल को मांग लिया, मांग ने दिल को मांग लिया, उस मांग में तारे बनना है। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। यहां से वहां तक पहुंचने में जो मेरी हालत होगी वो तो मजबूरी है, लेकिन स्टेशन से तुम तक पहुंचने का सब्र मुझ में ना होगा, इसलिए तुम बुध की सुबह की गाड़ी मुझे लेने के लिए स्टेशन पे जरूर आना। ओहो, नीना, रमेश का केबल आया है, उसे डॉक्टर पास कर ली है और आज ही वापस आ रहा है, प्लेन आने में 1 घंटे का वक्त बाकी है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं डैडी, आप जाइए ना, वहाँ मैं क्या करूँगी। इसमें शर्माने में क्या बात है, चलो चलो जरा बुरा लगता है। अच्छा डैडी, ये गेम तो खत्म कर लूँ। ओके। Okay.
अरे कौन है? उषा? क्या माँ? भैया उषा। अरे तू तो बहुत बड़ी हो गई है माँ। राजू, राजू बेटा, राजू, राजू माँ। मेरा तो सारा शरीर कांप रहा है, आने से पहले बताया कि मेरी जन्म जले। अरे बस माँ यू सोचा बस धम से जाऊंगा और माँ धक से रह जाएगी। कैसे हो भैया? देख तो कैसा लगता हूँ, होना पड़ेगा तुम्हें की तरह। अरे उसी यही तो फौज में मजा है, जी भर के कसरत और जी भर के खाना। माँ तू रो क्यों रही है? माँ औरत का जीवन ही रोना है बेटा, खुशी हो तो रोना, गमी हो तो क्या तू मेरे पीछे भी रोती रही? हाय राम, मैं क्यों रोती, भगवान मेरे बेटे को चिरंजीव करे। अच्छा माँ ये बता, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा कोई तकलीफ नहीं, तेरे भेजे हुए पैसे बराबर मिलते रहे, पर तेरे बिछोड़े को पैसा थोड़े ही पूरा कर सकता है। जिंदगी में पहली बार कलेजे से दूर किया बेटे को, ये तो भला हो बेचारी नीना का, बराबर आती रही, हम दोनों की देखभाल करती रही। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता, नीना इस घर में ऐसी आए कि फिर कभी न जाए। उसी तू मेरे लिए साबुन तौलिया निकाल, चल 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 चल। माँ वो बात यूं है कि वो गाड़ी में गाड़ी बहुत तेज भागती है, सारी मिट्टी सिर में पड़ती है। माँ मैं अभी नहा के आता हूँ, तू मेरी लस्सी बना माँ, लस्सी है नहाता हूँ, आता हूँ आता। मेरी अपनी नीना, आखिर वो घड़ी आ पहुंची, दिनों महीनों से जिसका इंतजार कर रहा था, और शायद तुम भी। मैं छुट्टी पे आ रहा हूं, यहां से वहां तक पहुंचने में जो मेरी हालत होगी वो तो मजबूरी है, लेकिन स्टेशन से तुम तक पहुंचने का सबर मुझ में ना होगा, इसलिए तुम बुध की सुबह की गाड़ी। बुध? आज? ओ गॉड, गाड़ी तो आ भी चुकी। राजा। नीना। राजा। नीना। माफ करना राजू, मैं स्टेशन पे ना आ सकी, एक फ्रेंड को लेने एयरपोर्ट पे चली गई थी, जब वापस आई तब तुम्हारी चिट्ठी मिली। कोई बात नहीं, ये बता देना कि तुम हो कैसी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो, कैसे गुजरे मिलिट्री में? बस ठीक ही थे, तुम्हारे बगैर जितने भी ठीक हो सकते थे। झूठे गई थी, चाहे याद भी न किया हो। याद? नीना याद तो मैं तुम्हें बहुत करता था, सच जी चाहता था उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, लेकिन लेकिन गाड़ी में आना पड़ा, यूं लगता था गाड़ी जैसे 10 बरस में यहां पहुंची हो, हर स्टेशन पे जैसे अपना स्टेशन आ गया, तुम खड़ी मेरी राह देख रही होगी, मैं कूद कर तुमसे मिलूंगा, लेकिन कूदा नहीं, ऐसे ही उतर गया। मैं भी दिन रात यही सोचती थी, जब तुम आओगे तो कहूंगी कहूंगी कि अरे कितनी बातें सोची थी, तुम्हें देखते ही सब भूल गई। नीना अपनी भी यही हालत है, बहाने ढूंढता हूँ, सोचता हूँ, जब्त करता हूँ, मगर जब सामने आता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा नीना ये बताओ, आज शाम को तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? आज शाम? हाँ आज मुझे एक पार्टी पे जाना है। आज ही गोली मारो इस पार्टी को, हम सैकड़ों मिलों से तुम्हें मिलने आए और तुम पार्टी में जा रहे हो। नहीं राजा, मुझे क्या मालूम था कि तुम आ रही हो, और फिर उन लोगों से रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मैं गई तो बुरा मान जाएंगे। और अगर मैं बुरा मान जाऊं तो? तुम्हारे बुरा मानने की मुझे इतनी सी भी परवाह नहीं। एम साहब कहीं मेरे पीछे इरादा तो नहीं बदल लिया ना? इरादा? हाँ इरादा मैंने किया ही कब था जो बदल लेती। चाची। अरे रमेश तू
आज ही आया हूँ चाची। कहो राजू का क्या हाल है? कोई चिट्ठी विट्ठी आई उसकी? अरे चिट्ठी क्या, वो खुद ही आ गया है छुट्टी पर। सच? हाँ। कहाँ वो गधा? भाई साहब बंदा हाजिर है। राजू। अरे डॉक्टर के बच्चे। अमित तू कहाँ जा टपका? बेटा तुझे मिलने के लिए सीधा इंग्लैंड से आ रहा हूँ। अरे रहने दे बड़ा है इंग्लैंड वाला। बेटे ये बता कि अब कितने मरीजों की जान लेने का प्रोग्राम है जनाब का? मैं तो कहीं साल में एक दो को ही कब्रिस्तान भेजूंगा, लेकिन तुम फौजी तो लाट का लाट साफ कर देते। अच्छा गुरु ये बताओ तेरी मेम साहब कैसी है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, अभी मिलकर आ रहा हूँ। रमेश तू ये बता कि तेरा मामला कहाँ तक पहुँचा? अपना मामला तो पहले से ही पक्का था, बस अब शहनाइयों की देर है। अच्छा? हाँ राजू यार ये बहुत अच्छा हुआ जो तू आ गया। क्यों भाई? पिताजी ने मेरे डॉक्टर होने की खुशी में आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है। अरे जियो वंडरफुल। अरे वो भी आ रही है? है? हाँ तूने तो अपनी वाली दिखाई नहीं ना बेटा। मैं शाम को मिलवाऊंगा तुझे तेरी होने वाली भाभी से। लेकिन बेटे एक बात का ख्याल रखना। वो क्या? कहीं अपने को देखकर मेरी होने वाली भाभी तेरी भाभी ना हो जाए। अबे क्या बकता है तू? बस निकल गई ना जान। जा माफ किया प्यारे, अपन यारों के यार है, कभी अमानत में खयानत नहीं करते। बाकी रही तेरी पार्टी की बात, तो शाम को वो समा बांधूंगा कि दुनिया देखेगी। ऐसा? हाँ? तो देख लेंगे। अरे तो देख लेना। तो देखेंगे। अरे तो देखेंगे। अबे चक्रम अरे के बोर हो गए, कब आएगी तेरी बिजली? आएगी नहीं चमकेगी बेटा, नजर जमा के नहीं देख सकोगे। अच्छा लाखों में एक है? लाखों में एक? तेरे बेश आगे। अच्छा बेटा कर लो दिल लगी, लेकिन जब उसे देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। चलो वो आ गई। हेलो नीना। हेलो डॉक्टर, बात तो मेरी भी कटी थी। लेकिन इन सब का इलाज तो तुम्हारे पास है। वो क्या? तुम्हारा डांस। आओ नीना, मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूं, बहुत दिलचस्प आदमी। राजू। राजू तुम यहाँ? अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ डैडी इनकी एनसीसी की कमांडिंग थी ना। बेटी नीना मैं तुम्हें वहाँ देख रही थी, चलो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। क्यों बेटा कैसी लगी? तीर की तरह उड़ गया ना होश, बहुत डिंगे मारा करता था। अब बता तेरे वाली बढ़कर आई या मेरे वाली? तेरे वाली को देखकर तो मैं अपने वाली को भूल गया हूँ दोस्त। साहब आपको बीवी ने बुलाया, मैं अभी आया। आप तो जानते ही हैं हम लोग फौजी हैं। हेलो राजन तुम कब आए? सर मैं आज ही छुट्टी आया। यहाँ कैसे? जी रमेश मेरे बचपन का दोस्त है। और रमेश का बाप मेरे बचपन का दोस्त। और ईश्वर ने चाहा तो अब ये दोस्ती बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल जाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन अब आपकी खिदमत में मिस नीना बख्शी डांस पेश करेंगे और साथ ही मिस्टर राजन गीत गाएंगे। चल बेटा आ जा मैदान में। नहीं रमेश मैं नहीं गा सकता। अब इस मौके पे नहीं गाएगा तो फिर कब गाएगा? चल रमेश लेकिन मेरी बात। Thank you.
आंचल ढल गया सर से चांद को अपने देख तो ले है दिल प्यार तुम्हारी हूं जिन्हें पाने का हक इस उम्र के हर लड़के और लड़की को पहुंचता है और उधर वो भी जवान है खूबसूरत है और इंग्लैंड से डॉक्टरी पास कर चुका है। आप किसकी बात कर रहे हैं? रमेश की और किसकी?
रमेश से मेरी बात? नहीं नहीं डैडी, मैंने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। इसमें सोचने की क्या बात है बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, पसंद करते हो, और फिर उसका पिता मेरा बचपन का दोस्त भी है, मैं तो उससे वादा भी कर चुका हूँ। ये आपने क्या किया डैडी? ऐसा करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। लेकिन बेटा तुम्हें इतराज किस बात पर है? अच्छा घर है, खाते पीते लोग हैं, और फिर चंद ही दिनों में रमेश भी किसी अच्छे ओहदे पर लग जाए। शादी के लिए ओहदे की नहीं, किसी और चीज की जरूरत होती है डैडी। क्या मतलब? तुम्हारे मन में कोई और है? बताओ नीना, कौन है? बोलो। राजन। राजन? तुम राजन को पसंद करती हो? ये कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं जानता था कि वो इतना कमीना होगा। तुम मेरे ही घर में मेरे ही मेहमान नवाजी से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये झूठ है, उसने कभी आपकी मेहमान नवाजी से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मैंने जो बात राजन ने देखी किसी और ने नहीं देखी। वो बात कभी की खत्म हो चुकी नीना, उसके बाप ने गलत रास्ते पर डालकर उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया, और आज आज वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उस वक्त उसे चाहा था डैडी, जब वो सब कुछ हो सकता था, और आज जबकि आपके कहने के मुताबिक वो कुछ भी नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अगर एक बाप ने अपनी जिद के कारण अपने बेटे को तबाह करके रख दिया, तो मैं एक और बाप को अपने बेटे का भविष्य बर्बाद न कर दूंगी। नीना, और कुछ नहीं सुनना चाहता, कान खोल कर सुन लो कि मेरी बेटी एक मामूली आदमी से शादी नहीं कर सकती। आप कुछ भी कहिए डैडी, मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। हेलो राजन। विजय साहब आप? सॉरी राजन, मैं बेवक्त तुम्हारे यहां चला आया, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी। शायद तुम जानते हो कि मेरी बेटी नीना की शादी रमेश के साथ हो रही है। जी हाँ। और तुमने ये देखा भी होगा कि पार्टी में वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश नजर आते थे। जी। लेकिन मुझे कहीं से मालूम हुआ है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं। फर्ज किया जिंदगी में किसी मौके पर तुमने चाहा भी कि नीना का हाथ तुम्हें मिल जाए, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उनको देखते हुए क्या ये मुमकिन? क्या तुम नीना को वो सुख और आराम पहुंचा सकते हो जिनकी वो आदी है, वो इज्जत और वो मर्तबा मैसर कर सकते हो जो इस वक्त तुम्हारा दोस्त रमेश कर सकता है? ये सब देखते हुए मैं नहीं चाहता कि जाने या अनजाने तुमसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे उन दोनों की जिंदगी तबाह हो और बाद में तुम्हें भी पछताना पड़े। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम जानते हो तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बस मुझे यही कहना था। भैया राजू, ये क्या, कहाँ चल दिए? नौकरी पे माँ, वो रात को मेजर साहब आए थे ना, बस यकायक बुलावा आ गया। क्या मतलब? अभी तो ठीक से तुम्हें देखा भी नहीं बेटे, जी भर के बातें भी नहीं की। दुख तो मुझे भी बहुत है माँ, लेकिन क्या कर, मजबूर जो। तू घबरा माँ, तू घबरा मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। भैया नीना दीदी से नहीं मिलोगे? माँ वो आए तो ये चिट्ठी उसे दे दे। अच्छा 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 माँ। झुमझुम जी हो गए, जैसे पीठ दिखा रहे हो वैसे ही मुंह भी दिखाना बेटा। नमस्ते मैं जी। आओ बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई।
राजू तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है। चिट्ठी? वो कहाँ गए? नौकरी पे और कहाँ। रात को ही मेजर साहब आए थे, न जाने क्या बातचीत हुई, सुबह होने से पहले ही चल दिया मेरा लाल। तू बैठ बेटी, मैं भी आई। नीना, मेरे सबसे प्यारे दोस्त रमेश से तुम्हारी होने वाली शादी मुबारक हो। दुनिया भर के ऐशो आराम तुम दोनों के कदम छूने और जमाने की तेज हवा का तुम्हें झोंका भी न लगे। याद है नीना, कभी तुमने मुझसे मेरे सब दुख मांगे थे, आज मैं अपने सब सुख तुम्हें देकर जा रहा हूं। भगवान करे जिंदगी सब खुशियां तुम्हारी हों और गम मेरे। नहीं राजू, नहीं, नहीं। रश्मि को सूचित किया जाता है कि हमारी बटालियन आज रात फील्ड एरिया को जाएगी। यहाँ से रेलवे स्टेशन चलने का टाइम ठीक 2000 बजे, रेलवे स्टेशन से स्पेशल के चलने का टाइम 2245 बजे, जवानों के किट और बिस्तरे लाइन के सामने 1930 बजे तक लगे हुए होंगे। कंपनी 1950 बजे हथियारों और इक्विपमेंट सहित इस एरिया में पालन होगी। बंदोबस्त ट्रेनिंग ऑर्डर के मुताबिक। हेलो, प्लीज गिव मी एक्सटेंशन 45। हेलो पैरा बटालियन, जरा लैंड स्नैक राजन खन्ना को टेलीफोन पर बुला दीजिए, बहुत जरूरी काम है। जी क्या कहा? 10:45 ट्रेन। थैंक यू। आपको किससे मिलना है? जी लांस नायक राजन से। अच्छा जाइए। आप बता सकते हैं लांस नायक राजन किस डिब्बे में है? राजन? हाँ। वो तो इंजन के साथ वाले डिब्बे में है। थैंक यू। अपने प्यार की सौगंध खाती हूँ राजू, कि जब तक तुम्हें फिर से पा न लूंगी वापस नहीं जाऊंगी।
समझ में नहीं आता आखिर नीना जा कहां सकती है। सुरेंद्र, हम दोस्तों के बीच कोई पर्दा, कोई झूठी शर्म की बात नहीं है। मुझे सब पता चल चुका है, नीना राजन से प्रेम करती है और मुझे यकीन है कि वो उसी के पीछे गई है। किठारी, तो मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। किठारी, सुरेंद्र, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? कहीं मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं करने देता। और फिर इसमें हर्ज क्या है? राजन भी तो अपना ही बच्चा है। ये कभी नहीं हो सकता किठारी, आखिर मैं रमेश को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसकी बात छोड़ो, जब से उसे ये पता चला है उसने घर ही आना छोड़ दिया। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं रमेश की खुशी के लिए नीना की खुशी हरगिज बर्बाद नहीं होने। लेकिन किठारी, यस क्या बात है? कुछ नहीं, मेरी इमीडिएट पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए और आज ही शाम को जाना पड़ेगा। समझ में नहीं आता ऐसी सूरत। तुम बेफिक्र होकर जाओ ना सुरेंद्र, नीना जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी भी, मैं उसे ढूंढने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। थारी, मुझे अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से अभी तो अहम राज मालूम हुए हैं और इसीलिए मैंने आप लोगों की यह अर्जेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ना बकवास, हम जो ये समझ रहे थे कि हमारा लियाजोन ऑफिसर लड़ाई में मारा गया, ये खबर गलत है। दरअसल वो दुश्मन के कब्जे में है और वो इस वक्त दुश्मन की फ्रंट लाइन के इस मुकाम पर नजर बंद है। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस सर। अगर कल सुबह होने से पहले हम अपने ऑफिसर को रेस्क्यू न कर सके तो वो उसे अपनी बेसलाइन पर ले जाएंगे और उससे हमारा एक एक रास मालूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नंबर टू, दुश्मन का वो टूटा हुआ पुल जो उसके लिए हमारे इलाके में आने का एक ही रास्ता है फिर से तैयार कर लिया गया है और हमारी इंफॉर्मेशन है कि दुश्मन उसी पुल के रास्ते पूरे जोर शोर से हमले की तैयारी कर रहा है। अगरचे वक्त बहुत कम है लेकिन फिर भी हमें दुश्मन के प्लान को खत्म करना है। मल्होत्रा, यस सर, तुम इसी वक्त एक पैराचोपर पार्टी को दुश्मन के इलाके में फेंक दो। ऑल राइट सर। और बाकी सब डिटेल्स मेजर ग्रेवाल से मालूम। ऑल राइट सर, दैट्स ऑल फॉर द डे। और इस मुकाम से दुश्मन का पुल 5 मील नॉर्थ वेस्ट को है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? यस सर। कल सुबह होने से पहले ये दोनों काम किसी हालत में हो जाने चाहिए। यस सर। लेकिन एक बात का खास ख्याल है, पहले अफसर को रेस्क्यू करना होगा फिर पुल उड़ाना होगा। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं कुछ नहीं जानता। तुम कुछ नहीं जानते? तुम्हें लास्ट वार्निंग दी जाती,
कल सुबह होने से पहले अगर तुमने सब राज ना बताया तुम्हारी जो हालत होगी उसका अंदाजा तुम खुद ही लगा सकती समझे। है वो दरिया जवान आप इसी रास्ते दरिया के किनारे किनारे पुल के नजदीक जाकर हमारा इंतजार करना ठीक है सर। देखो जरा इतिहास से
मुमताज है। कौन? कौन? राजन। सर। सर वक्त बहुत कम है, आप जाइए यहाँ से। और तुम? मुझे सर अभी पुल बनाना है, जिसके जरिए आज रात दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम दोनों ही साथ। नहीं सर, आपकी जिंदगी देश के लिए बहुत जरूरी है, और मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं। आप यहाँ से दाएं घूमकर नदी के किनारे चले जाइए, वहाँ हमारा एक जवान आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। Thank you.
देखो गार्ड, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि दुश्मन के कुछ आदमी हमारे इलाके में है, इसलिए हमें बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फौजें मार्च कर चुकी हैं और अभी 10 मिनट में इस पुल पर से गुजरेंगी। बी अलर्ट। ओके। यस सर। And that is all, sir. इसमें कोई शक नहीं कि राजन की बहादुरी ने हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। मगर अफसोस तो इस बात का है सर कि वो बहादुर खुद इस वक्त ना जाने कहां और किस हाल में है। हेलो। यस यस। हेलो किलो लिमा माइक वन मैसेज फॉर यू ओवर। हेलो किलो लिमा माइक वन मैसेज फॉर यू ओवर। ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। सिस्टर ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है क्या? यस सर, लेकिन सर्जन अभी तक नहीं है। उनका प्लेन पहुंच चुका होगा, बस आते ही होंगे। मैंने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भिजवा दिया है, तब तक तुम उसका ख्याल रखो। ओके सिस्टर। Sister, come on.
इसे बचा लो डॉक्टर, राज्य को बचा लो, अपने बचपन के दोस्त को बचा लो डॉक्टर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती। नीना मत बोलो कि तुम ड्यूटी पर हो। हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। सिस्टर इन्हें बाहर ले जाओ। नहीं डॉक्टर, डॉक्टर ना जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर जिस बेटा ना आप उससे मिल सकती है। जीने तो नहीं दिया, चैन से मर तो जाए। ऐसे न कहो राजू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जाओ मेरे सामने से। राजू मैं तुम्हारी सूरत नहीं। राजू ये तुम्हें क्या हो गया? राजू पूरे देश की तकदीर पलट देने वाला आज अपनी तकदीर से मुंह मोड़ रहा है। राजू एक बार देखो तो इसकी तरफ, क्या तुम्हें उसके चेहरे पे मासूमियत नजर नहीं आती? क्या वो कुर्बानी दिखाई नहीं देती जो उसने तुम्हारी खातिर दी है? रमेश क्यों मेरे जख्म पे नमक छिड़कता है? नहीं राजू, ये जो कुछ भी हुआ इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। दोष है तो मेरे माता पिता का और नीना के डैडी का, जिन्होंने नीना से बगैर पूछे इसकी किस्मत का फैसला कर दिया। और मैं अनजाने में तुम दोनों के दुख का बायस बन गया। अपने पराये में तमीज करो राजू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बचपन का दोस्त। मूर्ख ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूं? नीना तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। Thank you.
लीड कंधे जस्ट नंबर 25001 लैंस नायक राजन खन्ना पैरा बटालियन को उसकी बेमिसाल बहादुरी और देशभक्ति से खुश होकर राष्ट्रपति ने महावीर चक्र प्रदान किया है। राजू तुम्हारी ये हालत देखकर आज मैंने भी दिल में फैसला कर लिया है कि इसे भी तुम्हारे साथ पहुंचने दूं। अरे मंगल, लेकिन इसे भी तो पूछ ले, शायद ये भी तेरी तरह हलवाई बनना चाहता हो। चाची, ये हलवाई बनना चाहे या नहीं, मगर मैं इसे सिपाही बनाकर रहूंगा चुस्की लगा के। इरादे हैं मेरे तूफानी, कभी ना हम हार मानेंगे, अगर जिद पर हम आ जाए तो पहाड़ों से भी टकराएंगे। एक दिन मिल जाएगी वो दुनिया, जीते है जिसकी लगन पर, अपनी तो आरजू यही है, होंगे कुर्बान हम वतन पर। दिल मेरा एक आस का पंछी, उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन।